हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीक की वीकली फॉरकास्ट वीडियो में। दोस्तों, इस वीक में हम देखेंगे यूरो एसडी एंड यूएस ऑयल कहाँ ट्रेड कर सकता है, इस वीक में यूरो एसडी एंड यूएस ऑयल में क्या सेटअप दिखाई दे रहा है, किस तरीके से हम इस वीक में एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यूरो एसडी करेंसी पेयर से। सबसे पहले देखेंगे यूरो एसडी करेंसी पेयर 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमें क्या सेटअप दिखाई दे रहा है। दोस्तों, प्रीवियस वीक यूरो एसडी करेंसी पेयर में क्या हमने एनालाइज किया था, यूरो यूएसडी करेंसी पेयर ने प्रीवियस वीक कैसे ट्रेड किया है, आइए थोड़ा समझ लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा रिवाइज हो जाए प्रीवियस वीक किस तरह एक सिंपल एनालाइज हमने किया था। जैसा कि दोस्तों यहां पे आप देखेंगे, आपको एक चैनल जैसा नजर आएगा, मार्केट एक पैरेलल चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, बहुत अच्छे से चैनल को मल्टीपल टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेता हुआ आपको नजर आएगा यूरो यूएसडी 4 आवर के टाइम फ्रेम में। दोस्तों, जैसे ही इस चैनल का यहां पे मार्केट ने ब्रेक आउट किया था, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे डेट के साथ आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, जब मार्केट इस लेवल के आसपास रेसिस्टेंस ले रहा था, ये पैरेलल चैनल का लाइन का भी रेसिस्टेंस था, साथ ही साथ ये एक रेसिस्टेंस एरिया था, क्योंकि प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया था, सपोर्ट लिया था, रेसिस्टेंस लिया था। सो हमारा भी था दोस्तों प्रीवियस वीक, अगर इस रेसिस्टेंस का यहाँ पे यूरो यूएसडी ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट करने आता है, तो यहाँ पे एक सेकंड रेसिस्टेंस एरिया हो जाता है ये वाला। आप देख पाएंगे दोस्तों, एक्यूरेट मार्केट ने ब्रेकआउट भी किया, रेसिस्टेंस एरिया को रिटेस्ट भी किया, और रिटेस्ट करने के बाद जो टारगेट यहाँ पे हमने दिया था सेकंड रेसिस्टेंस का, मार्केट ने इसी लेवल को यहाँ से रिस्पेक्ट किया, इसी का रेसिस्टेंस लिया, अगेन मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन कर दिया। सो आप देख सकते हैं प्रीवियस वीक का जो हमारा यूरो यूएसडी करेंसी पेयर का एनालाइज था, कितना इजी, कितना सिंपल एनालाइज था और एकदम परफेक्ट एनालाइज रहा। आई होप आपने भी प्रीवियस वीक कुछ इस तरीके से एक एनालाइज किया होगा। किस किसने प्रीवियस वीक यूरो यूएसडी में इस तरीके से एनालाइज किया था, मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ताकि मुझे भी पता चले आप सब लोग भी इस तरीके से एनालाइज कर पा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आती है ना, थोड़ा भी हेल्प मिलता है, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि इसी ही नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं अभी इस वीक में यूरो यूएसडी किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो प्रीवियस जो सपोर्ट एरिया था इसको यहां से रिमूव कर देंगे, रेसिस्टेंस को भी यहां से रिमूव कर देंगे, और यहां पे जो पैरेलल चैनल था इसको यहां पे हम ड्रॉ ही रहने देंगे। अब देखिएगा यहां पे मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, अभी एक रेसिस्टेंस एरिया से रिजेक्शन आ रहा है, बहुत ही शानदार एरिया था जिसको मार्केट ने प्रीवियस टाइम काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया था, जैसे कि आप यहां पे देख पाएंगे मार्केट ने इस लेवल को रेसिस्टेंस लिया, रिजेक्शन आया, रेसिस्टेंस लिया, रिजेक्शन आया, अगेन रेसिस्टेंस के बाद रिजेक्शन आया, और फिर से देखिएगा इसी लेवल को मार्केट ने यहां पे रेसिस्टेंस लेने के बाद रिजेक्शन आया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 1.08959 एंड 1.08727 का, ये एक रेसिस्टेंस एरिया जिसे मल्टीपल टाइम मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है और अभी भी इसी लेवल से रिजेक्शन आया है। तो बात ये आती है कि अब मार्केट कितना डाउनफॉल कर सकता है, किस लेवल को मार्केट यहां से सपोर्ट ले सकता है। तो दोस्तों, यहां पे मुझे दो सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है जिसको मार्केट सपोर्ट ले सकता है। कौन से दो सपोर्ट लेवल है? सबसे फर्स्ट अगर सपोर्ट लेवल की बात करें तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा सा सपोर्ट एरिया हो सकता है, मार्केट इस लेवल के आसपास भी सपोर्ट लेने आ सकता है, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन का, ध्यान से देखिएगा यहां पे ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी हो जाता है, क्योंकि ये पैरेलल चैनल का ट्रेंड लाइन जिसको मार्केट ने बहुत अच्छे से प्रीवियस टाइम रेसिस्टेंस दिया है। तो अभी क्या हुआ, यहां पे ब्रेकआउट हुआ है, तो रीटेस्ट करने, यहां पे ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने भी हो सकता है, मे बी आए, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट वाला सपोर्ट एरिया यहां पे हमें दिखाई दे रहा है। अगर यहां पे हम देखते हैं इस लेवल को प्रीवियस टाइम, तो मार्केट ने बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया है, इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस लिया है, जैसे कि आप देख पाएंगे अगेन मार्केट ने यहां से टाइम स्पेंड किया, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद यहां से हो सकता है मैं भी रिटेस्ट करे, अगर यहां से अपसाइड जाना है मार्केट को, तो ये वाला लेवल सपोर्ट का बहुत अच्छा सा हो सकता है, यहां से सपोर्ट लेने के बाद फिर अपसाइड
का मोमेंटम भी हो सकता है मे भी देखने को मिले। तो बात करते हैं ये जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल है इसका एरिया क्या है, 1.07863 एंड 1.07620 का ये एक फर्स्ट सपोर्ट एरिया दिखाई दे रहा है। दोस्तों सेकंड सपोर्ट की भी बात कर लेते हैं, अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है इस फर्स्ट सपोर्ट को, यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है तो सेकंड सपोर्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। सेकंड सपोर्ट एरिया कौन सा है चलो वो भी यहाँ से हम समझ लेते हैं। सेकंड सपोर्ट एरिया की अगर बात करें दोस्तों, ये वाला एरिया यहाँ पे पास पास में निकल के आ जाते हैं दोनों ही सपोर्ट। प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट लिया है, तो हो सकता है अगर फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो सेकंड सपोर्ट ये काफी अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। लेवल की बात करें 1.07389 एंड 1.07200 के आसपास ये हमें एक सेकंड सपोर्ट एरिया दिखाई दे रहा है। तो यहां से अभी देखो रिजेक्शन आ रहा है, काफी अच्छा सा रिजेक्शन आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या कि मार्केट को अगर अपसाइड का मोमेंटम दिखाना है तो ये फर्स्ट सपोर्ट इसी को मार्केट को सपोर्ट लेने के बाद अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। अगर इसको भी ब्रेक डाउन करता तो ये सेकंड सपोर्ट एरिया बहुत अच्छा है, मार्केट यहां से भी सपोर्ट लेने के बाद हो सकता है फिर अपसाइड का मोमेंटम दिखाए। अगर अपसाइड का मोमेंटम दिखाना है तो इस तरीके का यहाँ पे हमें फर्स्ट एंड सेकंड सपोर्ट एरिया दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस तरीके से इस वीक में हम यूरो यूएसडी करेंसी पर 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक सिंपल सा सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया मार्क कर सकते हैं। चलो अब हम समझते हैं दोस्तों यूएस ऑयल के बारे में, यूएस ऑयल में हमें क्या सेटअप दिखाई दे रहा है। ये दोस्तों यहां से मैंने यूएस ऑयल ओपन कर लिया है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। यूएस ऑयल का ये जो ड्रॉइंग बना हुआ है, प्रीवियस वीक का ड्रॉइंग आपको देखने को मिलेगा, ये प्रीवियस वीक का ड्रॉइंग है दोस्तों। यहाँ पे प्रीवियस वीक कैसे एनालाइज किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 फरवरी को यहाँ पे जब मार्केट इस लेवल के आसपास रेसिस्टेंस ले रहा था, देखिए ये रेसिस्टेंस एरिया था, रेसिस्टेंस यहाँ पे हमने मार किया था क्योंकि प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को अच्छे से रिस्पेक्ट किया था। यहाँ से चार्ट को थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि प्रीवियस डाटा आपको नजर आए। देखिएगा ये जो रेसिस्टेंस हमने मार किया था, प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को रेसिस्टेंस काफी अच्छे से लिया था, इसी बेस पे यहाँ पे हमने आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया। और जब मार्केट इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था उसी टाइम पे हमारा क्या व्यू था, चलो चार्ट को थोड़ा जूम करके समझ लेते हैं। चार्ट को थोड़ा मैंने यहाँ से जूम कर लिया दोस्तों ताकि आप अच्छे से समझ पाए। अब ध्यान से देखो, जब मार्केट इस लेवल के आसपास रेसिस्टेंस ले रहा था, हमारा व्यू था कि इस लेवल को मार्केट बहुत अच्छे से प्रीवियस टाइम रिस्पेक्ट किया है तो अगेन रिस्पेक्ट कर सकता है। मार्केट यहाँ से अगर रिजेक्शन करता है तो सेकेंड सपोर्ट यहाँ पे हमें जो दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा सा एरिया है। ये देखिएगा ये पूरा लेवल, ठीक है, 76.33 एंड 75.44 का ये एक सपोर्ट एरिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको याद होगा ये सपोर्ट हमने मार किया तो, और आप देख ही सकते हैं यहां से इसी लेवल को मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया, यहीं से रिजेक्शन आया। कहां तक रिजेक्शन आया, जो सपोर्ट एरिया हमने मार किया था इसी लेवल को मार्केट ने सपोर्ट लिया, अगेन यहां से बुलिशनेस शो किया, रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, फिर से मार्केट ने रिजेक्शन कर दिया। तो जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस प्रीवियस वीक यूएस ऑयल में हमने मार किया था, मार्केट ने उसी लेवल को यहां पे रिस्पेक्ट किया है, उसी लेवल के अंदर मार्केट ने ट्रेड किया है। तो ये था हमारा प्रीवियस वीक का एनालाइज। अब बात करते हैं दोस्तों इस वीक में यूएस ऑयल कहां ट्रेड कर सकता है, कैसे इस वीक में हम एक सिंपल एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहां से प्रीवियस जो ड्रॉइंग है यहां से मैं रिमूव कर देता हूं। देखो प्रीवियस जो हमारा एक रेसिस्टेंस एरिया था ना दोस्तों, बहुत ही शानदार एरिया है, थोड़ा इसको हम एडजस्ट करेंगे, थोड़ा इसको एडजस्ट करेंगे इस तरीके से। ये देखिए अब यहाँ पे आप देखिएगा ये हमारा परफेक्ट एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क हो जाता है और ये हो जाता है सपोर्ट एरिया। ट्रेंड लाइन को यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब देखो आप मार्केट इस रेंज के अंदर बहुत अच्छे से यूएस ऑयल रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, अभी तक हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। रेंज को मार्केट अभी ना तो ब्रेक डाउन कर पा रहा है और ना ही ब्रेक आउट कर पाया है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी ये सपोर्ट एरिया है, क्या है, अभी ये मार्केट के लिए एक सपोर्ट एरिया है, बहुत अच्छा सा सपोर्ट है। प्रीवियस टाइम मार्केट ने बहुत अच्छे से इसको सपोर्ट लिया, तो हो सकता है मे भी सपोर्ट लेने के बाद अगेन यहां से बुलिशनेस शो करे और रेसिस्टेंस के आसपास रेसिस्टेंस लेने के बाद फिर से रिजेक्शन करे। कहने का मतलब अभी मार्केट बहुत अच्छे से रेंज के अंदर फंसा हुआ है, यूएस ऑयल प्रॉपर एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है।
रहा है, अभी यहाँ पे हमें रेंज के अंदर ही हमारे लिए सेटअप देखना चाहिए। जो भी हमारे लिए सेटअप दिखाई देता है, अगर यहाँ से बाय का सेटअप दिखाई देता है तो हमें यहाँ से बाय की तरफ अपनी ट्रेड प्लान करना चाहिए। अगर यहाँ से रेसिस्टेंस के आसपास शॉर्ट का यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देता है तो हमें शॉर्ट करना चाहिए। जब तक इस रेंज का ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन ना हो तब तक हमें रेंज के अंदर ही अपना सेटअप देखना चाहिए। सो आई होप आप समझ पाए होंगे इस वीक में यूएस ऑयल में हम किस तरीके से एक सिंपल एनालाइज कर सकते हैं। सिंपल हमने क्या किया, यहाँ से सपोर्ट और रेसिस्टेंस एरिया को मार किया क्योंकि अभी मार्केट के रेंज के अंदर फंसा हुआ है। सो आई होप दोस्तों आप अच्छे से समझ पाए होंगे इस वीक में हम यूरो यूएसडी एंड यूएस ऑयल में किस तरह एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो से आपको थोड़ा हेल्प मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल बने सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि इसी नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। तो मिलते हैं एक और नई ऐसी एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।